नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। विदेशी मीडिया भी कर रही कोरोना से निपटने के लिए केरल की तारीफ। भारत में कोरोना से प्रभावित व्यक्ति पहली बार केरल में ही मिला था, जिसके बाद केरल में तेजी से मामलों की संख्या बढ़ने लगी थी और धीरे धीरे करके भारत में केरल कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। मगर अब समय के साथ केरल ने अपने यहां कोरोना की बढ़ती संख्या पर काबू पा लिया है, जिसकी तारीफ भारत की मीडिया के साथ साथ विदेशी मीडिया भी कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कोरोना पर काबू करने के लिए केरल सरकार के प्रयासों की तारीफ की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि आक्रामक टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही साथ पका हुआ भोजन लोगों तक पहुंचाकर कोरोना को रोकने में राज्य सरकार ने बड़े प्रयास किए हैं और उन प्रयासों ने रंग भी दिखाया है। इतना ही नहीं, जारी की गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केरल ने कठोर कदम के साथ साथ मानवता का भी खास ख्याल रखा है। भीषण गर्मी के लिए इस साल तैयार रहे दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के सभी लोग। इस साल जहां हर नागरिक कोरोना की बढ़ती समस्या से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ इस साल लोगों को गर्मी भी झेलनी पड़ सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान की माने तो अगले 2-3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। वहीं अप्रैल के अंतिम सप्ताह में गर्म हवाएं भी चलने लगेंगी और पारा 40 डिग्री के पार होने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी साफ कहा है कि बीच बीच में हल्के पश्चिमी विभोक्ष आते रहेंगे, लेकिन उससे गर्मी कम नहीं होगी। कुछ ऐसे जगह पर बादल भी छा सकते हैं। वहीं दिल्ली NCR की बात करें तो यहां का अधिकतम तापमान 37 डिग्री पर रहा है। न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हुआ है। 1.76 लाख उज्ज्वला ग्राहकों के खाते में भेज दी गई राशि। सरकार ने अपने वादे अनुसार 1.76 लाख उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के खाते में राशि भेज दी है, जिससे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आने वाले 3 महीने तक मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सरकार ने हाल ही में उज्ज्वला ग्राहकों को 14.2 किलोग्राम LPG के 3 रिफिल देने की घोषणा की थी। इसी प्रकार 5 किलो घरेलू कनेक्शन वाले उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो के कुल 8 रिफिल मुफ्त देने का भी ऐलान जारी किया था। वहीं ज्ञात हो यह योजना 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के लिए है। दूसरे फेज में बंद में थोड़ी राहत मिलने की जताई जा रही है उम्मीद। भारत में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के सचिव डेविड ने हाल ही में अपना बयान देते हुए यह साफ कहा है कि बंद के अगले चरण में कुछ ढील मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंद के दौरान कुछ चीजों में रियायतें देने का संकेत दिया था, जिसके तहत यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में कोरोना को रोकने की कोशिश के साथ साथ लोगों की आजीविका भी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि लोगों की परेशानी थोड़ी कम हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जान भी जहान भी, यानी उनके कहने का मतलब था कि जान तो जरूरी है ही, लेकिन जीने के लिए बाकी सारी चीजें भी जरूरी है। अस्पताल से ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन को किया गया डिस्चार्ज। ब्रिटेन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उन्हें ICU में डाला गया था, जिसके बाद से बोरिस जॉनसन को लेकर की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि अब उनके ठीक होने की खबरें भी सामने आ रही है, जिसके बाद जॉनसन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद देते हुए यह कहा है कि 2 हफ्ते पहले कोरोना की उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद डॉक्टरों ने मिलकर मेरी जान बचाई है, इसके लिए सभी के आभारी हैं। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री की ओर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ईस्टर संदेश के साथ साथ लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे जान बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से घर में रहने की अपील की थी। अमेरिका से 9,000 जिन एक्सपर्ट मशीन पहुंची भारत। भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने अपने वादे अनुसार 9,000 जिन एक्सपर्ट मशीन को कोरोना की जांच के लिए भारत में भेज दिया है। यह मशीन TB के मरीजों के नमूने लेने में काम आती है। बता दें, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 दिन पहले ही TB की जाँच के इस्तेमाल होने वाली मशीनों का इस्तेमाल कोरोना की जाँच के लिए मंजूरी दी थी, जिसके बाद भारत ने ऐसी 1 लाख मशीनों का ऑर्डर अमेरिका की एक कंपनी को दिया था। वहीं अमेरिका कंपनी का यह दावा है कि यह मशीन एक बार में 4 कोरोना आशंकित मरीजों के नमूनों का परीक्षण ले सकती है। इतना ही नहीं, इससे सिर्फ 1 घंटे में परिणाम भी सामने आ जाते हैं। अमेरिका द्वारा भेजे गए इन मशीनों से अब भारत में तेजी से कोरोना आशंकित व्यक्तियों की जांच की जा सकती है। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में मोदी सरकार के आरोग्य सेतु ऐप की विश्व बैंक भी कर रहा है सराहना। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए भारत सरकार ने मार्च महीने में आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था, जो कि अब वैश्विक तकनीकी दिग्गजों पर भारी पड़ता दिख रहा है। वहीं इस ऐप की सराहना हाल ही में विश्व बैंक ने भी की है। विश्व बैंक ने हालिया रिपोर्ट में इस ऐप की तारीफ की है। सरकार का यह ट्रैकिंग ऐप कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की जाँच करने में काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि इसे इनोवेटिव सोल्यूशन से बड़े पैमाने पर आबादी को शिक्षित करने और कोरोना को ट्रैक करने में मदद की जा सकती है। सरकार ने की 20 लाख किराना स्टोर को सुरक्षा स्टोर में बदलने की योजना। देश भर में जारी बंद से सरकार ने 20 लाख किराना स्टोर को सुरक्षा स्टोर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार निजी कंपनियों को शामिल कर सकती है, जो कि हर तरह के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करके ही सरकार की योजनाओं पर काम करेगी। इतना ही नहीं, सरकार की योजना है कि इस सभी कंपनियां अनिवार्य वस्तुओं के भी निर्माता से यहां से सामान लेकर खुदरा दुकानों तक उनकी पहुंच को भी सुनिश्चित करने का काम करेगी। इसके साथ ही दुकानों पर साफ सफाई और सामुदायिक दूरी से जुड़ी हर तरह की एहतियात बरती जाएगी। इन दुकानों को सैनिटाइजेशन भी
समय समय पर किया जाएगा। अगर सब कुछ सरकार के आदेशानुसार चला तो 45 दिन में 20 लाख स्टोर तैयार करने की योजना बनाई गई है। रामायण में काम करने वाले असलम खान को अब ढूंढ रहे हैं लोग। रामानंद सागर की रामायण ने हर घर में अब अपनी एक खास जगह बना ली है, जिसके बाद इस पर काम करने वाले एक एक अभिनेता को ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं रामायण के किरदारों पर मीम्स की दुकान भी चल रही है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा असलम खान की होती है, जिसके बाद लोगों ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, असलम खान ने रामायण में कई तरह की भूमिका अदा की है। वह कभी किसी राजपाट वाले सीन में मंत्री के किरदार में नजर आते थे, तो कभी वह समुद्र देव की वेशभूषा में नजर आते थे। वहीं असलम खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं, जिसके बाद असलम खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बताया था कि वह इस बात को देखकर बहुत आश्चर्यचकित है कि लोग उनके ऊपर मीम्स बना रहे, क्योंकि एक समय ऐसा था जब रामायण में काम करने के कुछ सालों बाद तक उन्हें कोई काम नहीं मिला था और वही स्थिति थी जब उन्होंने अपने गाँव वापस लौटने का मन बना लिया था, लेकिन अब जाकर उन्हें अपने आप पर थोड़ा यकीन होने लगा है। गूगल में कोरोना से लोगों की रक्षा करने वालों के लिए बनाया गया खास डूडल। गूगल आए दिन अपने डूडल से कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश जरूर करता है। वहीं कुछ दिनों पहले ही गूगल ने सभी लोगों से घर में रहने को प्रेरित करते हुए एक अनोखा डूडल बनाया था, जिसमें गूगल आम नागरिकों से साफ तौर पर घर में रहने के दौरान अपना मनोरंजन करने के तरीकों को साझा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ गूगल ने अब अपने डूडल से उन लोगों को समर्पित किया है जो कोरोना की इस परीक्षा में लोगों को हर संभव कोशिश करके बचाने की मुहिम में जुटे हैं। इस बार गूगल का डूडल उन डॉक्टर से और मेडिकल स्टाफ के लिए है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए दिन रात खड़े हैं। गूगल ने अपने डूडल के ऊपर में एक दिल भी बनाया है, जिस पर क्लिक करते ही अब आप सीधे कोरोना से जुड़ी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि रामायण के इस किरदार से उन्होंने बल्लेबाजी के लिए प्रेरणा। भारत में कोरोना के बढ़ते असर के कारण 21 दिनों के बंद का ऐलान जारी किया गया था, जिसके बाद लोगों का मनोरंजन करने के लिए रामायण का प्रसारण एक बार फिर से शुरू किया गया था, जिसके बाद रामायण की चर्चा हर हो रही थी। अब भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी रामायण की चर्चा करते हुए यह खुलासा किया है कि रामायण का एक किरदार उनकी बल्लेबाजी का प्रेरणा था। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बल्लेबाजी की प्रेरणा के पीछे वास्तव में रामायण के किरदार अंगद है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दो तस्वीरें शेयर की है, जिसमें अंगद के पैर को कोई हिला भी नहीं पा रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, जहां से मैंने अपने बल्लेबाजी की प्रेरणा ली है, पैर हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, अंगद जी रॉक्स। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।